अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ चिकन ग्रीन मसाला। बहुत सिंपल रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। मैंने तकरीबन एक चिकन ली है और प्याज़ है मेरे पास तीन तीन अदद दरमियानी, जिसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया हुआ है। एक बंच ऑफ कोरिएंडर है, एक कप दही है फेंटा हुआ, और मसाले में गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर क्यूमन सीड्स, 1/4 कप ऑयल है, 1 टेबल स्पून अदरक पिसा हुआ है, 1 टेबल स्पून लहसुन पिसा हुआ, और 6 से 7 छोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ले ली थी। अगर आप कम तेज़ खाते हैं तो आप 4 से 5 ले सकते हैं। और ये गार्निशिंग के लिए मैंने 4 एग्स को बॉईल किया था और इसको हाफ कट करके रख लिया है। अदरक बारीक कटी हुई है लंबाई में, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है, ये गार्निशिंग के लिए है। सबसे पहले मैं ये कोरिएंडर, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन को साथ ग्राइंड करूँगी। फिर सबसे पहले तेल को शामिल करेंगे। और प्याज जो मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी उसको भूनेंगे। प्याज को इतना भूनना है कि बस ये हल्का हल्का गुलाबी रंग की हो जाए, ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। पांच प्याज को भूनते हुए 6-7 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए ऐसा रंग आ गया है पीला सा, कच्चापन ख़त्म हो गया है, हमें गुलाबी और लाल नहीं करना है इसको। अब इसके साथ ही मैं जो ग्राइंडेड मसाला था, कोरिएंडर, ग्रीन चिली और अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसको 6-7 मिनट भून कर फिर मैं चिकन को शामिल करूँगी। 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और अब दही को शामिल कर रही हूँ। आज जो चूल्हे की थी वो मीडियम ही थी, मीडियम ही रखी है मैंने। और अब साथ ही मैं नमक और ज़ीरा पाउडर भी शामिल करके इसको कवर कर दूंगी। ये भुना जाएगा ये 5 से 7 मिनट और, दही का पानी तेल छोड़ दे, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखें तेल ऊपर आ गया है और 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं चिकन को शामिल कर रही हूँ। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन डन होने तक मैं इसको पकाऊंगी 15 से 20 मिनट तकरीबन, और फिर आखिर में गरम मसाला भी गार्निश कर दूंगी इसके ऊपर। बस अब मैं इसको ढककर रख दूँ ढकने के लिए। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखें अच्छे से चिकन डन हो चुकी है और तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ, साथ थोड़ा सा अदरक कटा हुआ, बाकी बाद में गार्निश करूँगी, और साथ थोड़ा सा हरा धनिया। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की आंच करके ढककर इसको मैं दम पे रख रही हूँ। हमारी ग्रीन मसाला चिकन रेडी हो चुकी है। अंडे से मैंने गार्निश कर दिया है, थोड़ा आप कोरिएंडर लीव्स डाल दें, जिस तरह चाहें आप गार्निश कर लें इसको, कुछ अदरक कटे हुए, कुछ हरी मिर्चें। बहुत सिंपल सी डिश है और जल्दी तैयार हो जाती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की डिश बनती है ये। और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे कॉमेंट्स में ज़रूर डिस्क्राइब कीजिए इसको कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी पर। अल्लाह हाफिज़।